अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक हाजर और आप देख रहे हैं मिस्टर हाउ। आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? आप कैसे अपनी वीडियोस पर अच्छे व्यूवर्स ला सकते हैं, अच्छा वॉच टाइम गेन कर सकते हैं और अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की बेसिक्स, यूट्यूब की मिथ कि किस तरह से आप एक लार्जर ऑडियंस के सामने अपनी वीडियोस पहुंचा सकते हैं, किस तरह आपकी वीडियोस उनके सर्च रिजल्ट में आ सकती हैं। तो काइंडली एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अगर आप बीच में स्किप कर जाते हैं वीडियो तो आपको सही तरह से समझ नहीं आती। एंड आई कैन गारंटी कि आपको इस ये वीडियो देखने के बाद आपके चैनल के एनालिटिक्स में जरूर चेंजिंग नजर आएगी, और आप अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बिल्कुल एक हफ्ते दो हफ्ते बाद बिल्कुल अपना चैनल चेंज नजर आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं बल्कि आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube की आपकी जो वीडियोस हैं उनमें होना क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी वीडियो मेन SEO पे है। ठीक है, किस तरह अपनी वीडियो को आप वायरल कर सकते हैं या ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी वीडियो में होना क्या क्या चाहिए। चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका थंबनेल आता है। थंबनेल आपकी वो चीज होती है जो आपकी वीडियो का इंप्रेशन बनाता है। जो लोग आपको नहीं देख रहे और जिसके सामने आपका थंबनेल आता है तो आपकी वीडियो का एक इंप्रेशन पड़ना चाहिए। थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करें और वो ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, और फेक थंबनेल आपने बिल्कुल नहीं बनाने, क्योंकि ऐसे चैनल्स को YouTube मोनेटाइज नहीं करता कि वीडियो में कुछ और हो और आप थंबनेल में कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, तो थंबनेल आपकी वीडियो के मुताबिक होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड चीज क्या आती है हमारी, SEO। ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो की SEO नहीं हुई हुई तो चार साल भी आपकी वीडियो YouTube पे पड़ी हुई है तो उस पर कोई व्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें कोई भी नहीं देखें, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं ही नहीं जिनको YouTube हासिल करे और YouTube देखे कि इसमें क्या क्या चीज है कि इसको ऊपर करें। ठीक है, SEO पे आज आपको मैं पूरा करके दिखाऊंगा और कैसे करनी है और कहां कहां से करनी है ये भी आपको दिखाऊंगा। तीसरी चीज आती है आपकी क्वालिटी। आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आप क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, आपके मुखालिफ जो चैनल हैं, उनकी क्वालिटी के बराबर है आपकी क्वालिटी, ज्यादा अच्छी है या उनसे लो है, अपनी क्वालिटी को लाजमी चेक करें। चौथी चीज जो आती है वो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, कि आप कितना कंसिस्टेंट हैं अपने काम में। फॉर एग्जांपल, आपका कैसा शेड्यूल है, एक वीडियो आप डेली की अपलोड करते हैं, दो वीडियोस करते हैं, दो दिन में एक वीडियो करते हैं, पांच दिन में अपलोड करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चले कि अगर मैंने एक दिन की वीडियो अपलोड एक दिन बाद भी करनी है तो उस दिन करनी ही करनी है। ठीक है, तो इस चीज को YouTube बहुत ज्यादा अहम लेता है। तो इन चारों चीजों का अगर हम खुलासा निकालें, इन चारों चीजों में सबसे मेन चीज है SEO। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SEO कहते किसे हैं और SEO होती क्या चीज है, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह अगर आप ये अपने चैनल्स में अप्लाई करेंगे या आप खुद करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप हफ्ते दो हफ्ते बाद खुद उसमें चेंजिंग आपको नजर आएगी और आप खुद देखेंगे कि मेरा चैनल कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो SEO कहते हैं बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल का भी एक सर्च इंजन है, यूट्यूब का अपना एक सर्च इंजन है। ठीक है, जब आप सर्च करते हैं तो गूगल या यूट्यूब वालों को या उसके सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि ये वीडियो, ये वेबसाइट ऊपर लेके आनी है, इसको सेकंड नंबर पे रखना है, इसको थर्ड नंबर पे रखना है। वो सारी आपकी गेम होती है आपके टैग्स की, आपकी डिस्क्रिप्शन की, आपके टाइटल की। ठीक है, उनमें वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका आता है टाइटल, आपकी वीडियो का जो नाम होता है वो क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के आप उसमें डिफाइन करते हैं कि मेरी इस वीडियो में मैंने क्या दिखाया हुआ है और इस वीडियो में क्या हो रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग आपकी आती है टैग्स, और टैग्स बहुत जरूरी होते हैं। टैग्स के आपकी वीडियो किस बारे में है या लोग कैसे सर्च करते हैं, लाइक हाउ टू ट्रैक अ फोन। ठीक है, ये तो मैं सोच रहा हूं, लेकिन जो ऑडियंस है बाकी मुल्कों की, इंडिया की कर लें, ऑस्ट्रेलिया की कर लें, यूएस की कर लें, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे सर्च करते हैं,
तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा कैसे सर्च कर रहा है? ये वाले टैग्स जो हैं, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ट्रैक सेलफोन, सबसे ज्यादा लोग गूगल पे जाके ये लिखते हैं जब उन्हें सेलफोन ट्रैक करना होता है, ठीक है? तो हम उन वर्ड्स को, उन की वर्ड्स को कैसे ढूंढें और कैसे अपनी वीडियो के टैग्स में डालें, ताकि हमारी वीडियो जो कोई भी वैसा कीवर्ड सर्च करें तो हमारी वीडियो उसके पास जाए। तो ये है एसईओ की, यानी कि मिथ है कि एसईओ ये इस चीज को कहते हैं। अब चलते हैं सिस्टम पे, और सिस्टम पे जाके मैं आपको दिखाता हूं, आपको करके दिखाता हूं कि एसईओ होती क्या है और हम कैसे करते हैं एसईओ। आपको आज मैं दो तरह की बताने जा रहा हूं, एक एसईओ है गूगल की और एक एसईओ है यूट्यूब की, ठीक है? मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगा, ताकि गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको भी आपकी वीडियो जाए, यूट्यूब पे अगर कोई सर्च करता है तो उसके पास भी आपकी वीडियो जाए, ठीक है? तो दोनों तरह की एसईओ मैं आपको करके दिखाऊंगा, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों तरह की एसईओ अपनी वीडियोस में करें, ताकि आपकी वीडियोस ज्यादा अच्छे से एक लार्जर ऑडियंस के पास जाए। तो सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब के पास, और यूट्यूब पे जाके देखते हैं हम कि यूट्यूब की एसईओ कैसे करनी है, और उसके बाद गूगल की एसईओ देखेंगे। और एक और बात कि अगर आपने मिस्टर हाउ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के निशान को जरूर दबाइए, क्योंकि आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का हल मिस्टर हाउ आपको देता है, और आपकी हर प्रॉब्लम का हल इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ मिलेगा। तो चलते हैं सिस्टम की तरफ और जाके करते हैं एसईओ। ओके गाइस, सबसे पहले हम यूट्यूब पे आ चुके हैं, और यूट्यूब पे आने के बाद हम सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक आपको दिखाऊंगा, अपनी कुछ वीडियोस की एग्जांपल आपको दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एसईओ से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वीडियोस खोलूं, 20 दिन ही हुए अभी चैनल को बने हुए, एक नया चैनल है और एक ग्रोइंग चैनल है, और आप लोगों के सामने इंशाल्लाह मैं इसको ग्रो करके आपको दिखाऊंगा, ये आप लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, चाहे वो डिजिटल प्रॉब्लम्स हों या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों, उसके सोल्यूशन के लिए बना है। और अब एक नई प्लेलिस्ट यूट्यूब के लिहाज से भी बनने जा रही है, जिसमें यूट्यूब के सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी वीडियो उठा लेते हैं, ये हाउ टू रिकवर डिलीटेड फोटोज़ वाली उठा लेते हैं। इसके एनालिटिक्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें 112 व्यूज़ आए हुए हैं, और वॉच टाइम इसका है 3.9, और 7 सब्सक्राइबर ये लेके आई है ये वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे रियल टाइम एक्टिविटी में, तो टॉप ट्रैफिक सोर्सेज जो हैं हमारे यूट्यूब सर्च जो है वो 50% है, ठीक है? इसका मतलब है कि लोग जो सर्च करते हैं अपने यूट्यूब में, उनको मेरी ये वीडियो मिलती है 50%, ठीक है? अदर यूट्यूब फीचर्स, जिस तरह यूट्यूब बाकी लोगों तक यूट्यूब ही पहुंचाता है, क्योंकि इसकी एसईओ अच्छी हुई होती है, वीडियो अच्छी होती है, तो यूट्यूब ये चीज़ें आगे लोगों तक भी, ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो 22% व्यूज़ यूट्यूब के फीचर्स से आए हैं, ठीक है? चैनल पेजेस से हैं 18.2%, डायरेक्ट और अननोन 4.5%, और सजेस्टेड वीडियोस 4.5%। जितना आपका यूट्यूब सर्च और यूट्यूब फीचर्स या ब्राउज फीचर्स आपकी बढ़ेगी, सजेस्टेड वीडियोस भी आपकी उस तरह बढ़ेंगी। और अगर आपकी यूट्यूब सर्च से नहीं आ रही, तो सजेस्टेड वीडियो से आपकी ट्रैफिक लाजमी ज़्यादा आएगी एक अच्छी एसईओ के ज़रिए। तो ये थी आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दी कि किस तरह मेरी एसईओ मुझे फ़ायदा पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब की एसईओ अब बताने जा रहा हूं कि कैसे आपने करनी है और कैसे आपने टैग वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल की एसईओ कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने जाना है यहाँ पे, आपने टैब ओपन कर लेनी है एक न्यू अपने क्रोम की, ठीक है? क्रोम की आपने खोलनी है सेटिंग्स, ठीक है? यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स खोलेंगे, ठीक है? सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आके आपके इसके ऑप्शंस में आएंगे, और यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर, ठीक है? क्रोम का आप वेब स्टोर ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके सर्च करेंगे ट्यूबबडी, ठीक है? ट्यूबबडी को जब आप सर्च करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे ट्यूबबडी की जो ऐप आती है, यहाँ पे जिस तरह ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है, इसका भी ऐड टू क्रोम आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास ऐड हुई हुई है। तो आपने उस पे ऐड टू क्रोम वाले पे इधर आगे ट्यूबबडी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उससे क्या होगा, ये ट्यूबबडी आपके ब्राउजर जो है आपका गूगल क्रोम, उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपको आइकन नजर आ रहा होगा कि ट्यूबबडी ऐड है, ठीक है? अब ट्यूबबडी जब ऐड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा,
ट्यूब बडी ऐड हो गई। फिर जब आपकी YouTube होगी, YouTube में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे साइन इन का, ठीक है, साइन इन का ऑप्शन, सिर्फ आपने उसके साइन इन के बटन पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आपका TubeBuddy साइन इन हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इन करने में से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सिर्फ एक क्लिक करने पर हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे सर्च बार में, ठीक है, सर्च बार में फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ कि ट्रैक अ सेल फोन, ठीक है, ट्रैक माय फोन, ठीक है, ये हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैक माय फोन में ये सारी वीडियोस आ गई। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आती है टेक्निकल गुरुजी की, ठीक है, तो हम इस वीडियो को देखेंगे, 8.5 मिलियन व्यूज हैं, 3 साल पहले इसने ये वीडियो अपलोड की थी, 2 साल पहले इसने अपलोड की और 2.4 मिलियन इनके व्यूज हैं, ठीक है, और 3 साल पहले इन्होंने भी अपलोड की 1.7 मिलियन। अब इनके 3 साल जो हैं, 3 सालों में 8.5 आए और इनके 1.7 जस्ट बिकॉज ऑफ SEO। और फॉर एग्जांपल हम खोलते हैं अब टेक्निकल गुरुजी की वीडियो और यहाँ पर वीडियो खोल के हम इसको पॉज कर देंगे। और इसके TubeBuddy का फायदा ये है कि आपको उनके सारे जो उन्होंने टैग्स डाले हुए हैं ना अपनी वीडियो में, वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब टैग्स आपको सारे नजर आ गए इस वीडियो के, ठीक है, आप अब इन टैग्स की मदद से आप देखेंगे कि ये टैग्स कितना चल रहे हैं YouTube पे, ठीक है, लोग इस टैग को कितना यूज करते हैं सर्च बार में। फॉर एग्जाम्पल आप इस पे डबल क्लिक करेंगे लॉस्ट फोन रिकवरी पे, ठीक है, कीवर्ड एक्सप्लोरर TubeBuddy का एक है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है, ये आपको बताएगा कि ये जो सर्च है बार में आपको बताएगा कि ये जो कीवर्ड है ये इतना अच्छा नहीं है, ये फेयर है, क्यों, क्योंकि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो पुअर है, लोग इसको बहुत कम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन जो है वो फेयर है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन जो स्ट्रेंथ है इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, हमें ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, तो हमने वो चीज़ें ढूंढनी है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको कीवर्ड्स और भी देता है, हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये कीवर्ड कैसा रहेगा, ये कह रहा है कि जी फेयर है, लेकिन हम इसके स्कोर एनालिसिस में चेक करेंगे कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, इसका जो सर्च वॉल्यूम है इसका भी कम है, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है लेकिन सर्च वॉल्यूम फिर कम आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ट्रैक फोन फोन विद IMEI, ठीक है, ये अगर मैं लिखता हूं तो इसका आप सर्च रिजल्ट आप चेक करिएगा कि इसका सर्च रिजल्ट क्या आता है और ये हमें क्या बताता है कि ये बहुत अच्छा एक कीवर्ड है, एक बहुत अच्छा टैग है और इसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है, और कई का ऐसे भी होता है कि सर्च वॉल्यूम फुल ग्रीन होता है और बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, IMEI ट्रैकिंग IMEI जो है वो 55% तक इसका अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप टैग्स कैसे, इसमें आपने थोड़ा सा अपने दिमाग भी लड़ाना है और थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करना है कि कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें काम करेंगी, ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ से कॉपी करने हैं सारे और एक अपनी कोई भी फाइल बना लें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लें, उसमें एक टैग डालें, दूसरा टैग डालें, तीसरा टैग डालें, आपने अपने 500 वर्ड्स के टैग्स जो होते हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है, टैग्स की एक लिस्ट बना लें, ठीक है, अब उन टैग्स की लिस्ट तो बन गई और टैग्स भी सारे बहुत अच्छे अच्छे बन गए, ठीक है, और टैग्स हमेशा याद रखें कि आपकी वीडियो के मुताबिक हों, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग्स तो हो गए हमारे, ठीक है, अब हमने टाइटल कैसे डालना है और डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, मैं वीडियो अपलोड एक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप में फॉर एग्जांपल मैं अपनी वीडियो को ही उठाता हूँ अपने सिस्टम से जिसको मैंने अभी पब्लिश करना है और नहीं यार कहाँ पे पड़ी होती हैं, हाँ ठीक है, तो हाउ टू डिलीट गूगल अकाउंट फॉर एग्जांपल मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारी साथ साथ अपलोड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, हाउ टू डिलीट गूगल अकाउंट परमानेंटली, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइटल रख दिया, टाइटल भी आपने वहीं से यहाँ से ही चेक करना है कि टाइटल कैसा रखना है, अपने टाइटल को हमेशा शॉर्ट रखें और अच्छा रखें और जिसकी सर्च वॉल्यूम जो हो वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, हमेशा वैसा टैग चूज़ करें, ठीक है, टैग आपने
वो वाला उठा के यहाँ टाइटल में डालना है सबसे पहले, ठीक है। आपका टाइटल एक बहुत अच्छा और एक वाजिया होना चाहिए जिससे लोगों को लगे हाँ जी इस वीडियो में ये होना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी एक अच्छी सी हो और उसमें पता चले कि इस वीडियो में हो क्या रहा है, ठीक है। इस वीडियो में आप बता क्या रहे हैं, आप मेरी वीडियो जो भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपने टैग्स कॉपी किए हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे सारी SEO आपकी डिपेंड करती है, वो टैग्स आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ठीक है, टैग्स वाली बार में, और यहाँ पे आके आपने वो सारे टैग पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। 500 वर्ड्स आपकी लिमिट होती है YouTube पे टैग्स पेस्ट करने की, तो आपने हमेशा अच्छे वाले टैग्स उठा के इसकी लिमिट पूरी करनी है और बहुत अच्छे टैग्स इसमें डालने हैं, ठीक है। टैग्स हो गए, उसके बाद हमारा क्या होगा, टैग्स भी हो गए, डिस्क्रिप्शन भी होगी, टाइटल भी होगी, आपकी SEO बिल्कुल कंप्लीट है अगर आप ये YouTube से सब कुछ करके लिया है। और आप टैग Google से कैसे उठा सकते हैं कि Google पे लोग क्या ज़्यादा सर्च करते हैं और आपकी वीडियो Google पे भी आए, ताकि Google पे भी जो लोग होते हैं वो जो भी सर्च कर रहे हैं आपकी वीडियो उन तक पहुंचे, तो वो गूगल का भी मैं तरीका बताऊंगा। और आपने टैग्स वहां से भी कॉपी करने हैं और हमेशा देखना है कि गूगल वाले ज़्यादा अच्छे सर्च वॉल्यूम में हैं या ये ज़्यादा सर्च वॉल्यूम में ज़्यादा अच्छे हैं। तो जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा हो आपने हमेशा वो टैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वीडियो एलिमेंट्स में, विजिबिलिटी में, ठीक है, पब्लिश, हम इसको पब्लिश कर देते हैं, बल्कि थंबनेल भी आप यहाँ पे आके लगाएंगे, यहाँ पे अपलोड थंबनेल का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये मैं थंबनेल लगाता हूँ, खैर मैं ये बिल्कुल वीडियो के रेलेवेंट नहीं है, तो ये थंबनेल इसमें डिफाइंड है कि व्हाट इज़ SEO एंड हाउ टू डू SEO। आपका थंबनेल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, यूज़र को पता हो कि इस वीडियो में होना क्या है, ठीक है, और ना चाहते हुए भी आपका व्यूअर उस पर क्लिक कर दे, ठीक है, फिर आप इस पे नेक्स्ट करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये थी गाइज हमारी YouTube की बेसिक आपकी जो है SEO, और इसके बाद हम जाएंगे Google की SEO पे, ठीक है, कि आप Google से कैसे कीवर्ड उठाएं और Google Chrome पे जब कोई भी सर्च करता है तो आपकी वीडियो उधर कैसे आनी चाहिए और आप अपनी वीडियो को, अपने टैग्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं SEO। तो चलते हैं गूगल पे। ओके गाइस, गूगल की एक एप्लीकेशन है गूगल एड्स, ठीक है। अब गूगल एड्स क्या चीज़ है कि गूगल एड्स पे अकाउंट कैसे बनता है, गूगल एड्स पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट होता है फ्री में और एक अकाउंट होता है पेड, ठीक है, जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं और सारा कुछ यानी कि उसको पे करते हैं गूगल को, क्योंकि आपने एड्स चलाने होते हैं। और एक होता है मैनेजर अकाउंट जो कि फ्री में बनता है, लेकिन वो अकाउंट बनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और गूगल कई दफ़ा शो भी नहीं करता आपको कि आप फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप गूगल एड्स पे बिल्कुल फ्री अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका गूगल एड्स का अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, आप टूल एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन आएगा, कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब ये विंडो जब खुल जाएगी तो इसमें यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का एक ऑप्शन आता है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी लोकेशन कौन सी वहाँ पे सिलेक्ट हुई है, ठीक है। तो लोकेशन हमारी पाकिस्तान की है तो हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को कवर करना है, हमने एक लार्जर ऑडियंस के सामने अपनी वीडियो पहुँचानी है, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ इंडिया या बांग्लादेश में हमने वीडियो नहीं पहुँचानी, ठीक है। तो इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, उसको अनसेलेक्ट करके पाकिस्तान को या इंडिया को, जो भी आपका कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखेंगे लाइक ट्रैक फोन विद IMEI, मैं लिखता हूँ, ठीक है, ट्रैक फोन विद IMEI, ठीक है। यहाँ पे आके आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो गूगल एड्स आपको रिजल्ट्स शो कर देगा कि इस कीवर्ड को लोग कितना सर्च करते हैं। अब IMEI फोन ट्रैकर जो है इसको सर्च करते हैं 1000 से लेकर 10000 तक, ठीक है, ये मंथली सर्चेज हैं, एवरेज है उनकी कि एक मंथ में एवरेज जो सर्च होती है इस चीज़ से वो है 1000 से 10000 तक, ठीक है। IMEI ट्रैकर जो है ये वाला जो कीवर्ड है ये 10000 से 100000 यानी कि 1 लाख तक लोग सर्च करते हैं।
IMEI फोन ट्रैकिंग 10,000 से 1,00,000, ठीक है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे कीवर्ड हैं। और इस तरह के आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, आप किसी तरह के भी, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करते हैं कि लाइक शोबिज आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शोबिज के बारे में आपको वो बता देता है कि शोबिज के बारे में आप क्या लोग कीवर्ड सर्च करते हैं। अब सिर्फ शोबिज को जो सर्च करते हैं 1,00,000 से 1,000,000 तक लोग मंथली एवरेज इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इस कीवर्ड को। डेली मेल शोबिज 1,00,000 से 1,000,000, मेल ऑनलाइन शोबिज 10,000 से 1,00,000 तक, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शंस देता है, आप अपने शोबिज के बाद आप ब्यूटी या इस तरह के और बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे डाल के उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है कीवर्ड है, कौन सा जो टैग है, उसको गूगल पे लोग कितना सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मंथली एवरेज सर्चेज उसकी क्या है। फिर आप अच्छे वाले टैग्स जो हैं उनको उठा के अपनी वीडियो के टैग्स में डाल सकते हैं, ताकि गूगल पे भी जब लोग सर्च करें, तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि यूट्यूब की वीडियोस भी आती हैं सामने, ठीक है, तो आपकी वीडियो गूगल पे भी आए और लोगों के सामने जब गूगल पे लोग सर्च करें तो आपकी वीडियो उधर भी आए। तो ये थी गूगल से आप SEO कैसे करते हैं अपनी वीडियो की, गूगल से आप टैग्स कैसे उठाते हैं, गूगल से आप कीवर्ड्स कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वे है, यहाँ से आपको अपने कीवर्ड्स का रेट भी पता चलता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इस कीवर्ड को यूज करने में अपने थंबनेल में, सॉरी अपने जो आपका टाइटल होता है वीडियो का, उसमें ये अगर आप वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, तो ये आपको PKR 71 रुपये से 198 रुपये के दरमियान आपको गूगल एड्स इसके पे करेगा, ठीक है, आपको देगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो ये एक बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स जो होते हैं वो गूगल पे आप आके अपने टैग सर्च करते हैं। ओके गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, अपने कमेंट से, अपने लाइक से फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और इंशाल्लाह जब अगले 1-2 हफ्ते में आपके चैनल ज़्यादा ग्रो हो जाएं और आप पे अच्छे व्यूवर्स आ रहे हों, सब्सक्राइबर आ रहे हों और एक मोशन पकड़ ले आपका चैनल, तो ज़रूर आके बताइएगा यार, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों का सुन के, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया और आप लोगों तक पहुँचाया। और इसी तरह की इंशाल्लाह और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिस्टर हाओ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।